ओके गाइस, तो ये वीडियो को पूरा देखना वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि गिव अवे ऐप कैसे यूज़ करें। हेलो गाइस, तो ओके मैं आपको बताता हूँ कि अपने चैनल के गिव अवे में, मतलब जो जो डी एच डी चैनल के गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर खोलिए। प्ले स्टोर में यहाँ पर लिखिए JJDSG डेली गिव अवे, JJDSG डेली गिव अवे, ये खोल कर सर्च करिए। इसके बाद नीचे ये पाएगी JJDSG डेली गिव अवे, इसको ओपन करके इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करिए। ये मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन कर लिया है। ओके, ओपन करने के बाद नोटिस वगैरह पढ़ना तो पड़िए, वरना कोई दिक्कत ही नहीं। ओपन करने के बाद ये इंटरनेट चेक करेगा, इंटरनेट चालू कर लीजिए ना ओपन करने के पहले ही। उसके बाद ऐप को ओपन करना। अब ये यूज़र नेम मांगेगा, यूज़र नेम में आपका जो भी फ्री फायर का यूज़र नेम रहेगा वो डालना। मेरा यूज़र नेम है डांटे सोप, डांटे सोप मेरा यूज़र नेम है, इसलिए मैं डांटे सोप लिख रहा हूँ। और जो मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड में लिखूंगा, पासवर्ड में मैं बोलूँगा भाई आप लोग अपना मोबाइल नंबर और साथ में कुछ भी ABCD के लेटर्स वगैरह कुछ भी डालें, ताकि अगर आप गिव अवे जीतते हो तो मैं आपसे आपके मोबाइल नंबर का लेके कॉन्टेक्ट कर सकूँ। तो एक फेक मोबाइल नंबर डालते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आखिरी में मैंने कुछ भी लेटर डाल के पासवर्ड बना दिया। अब मैं ऐसा डालने के बाद मैं साइनअप पर क्लिक करूँगा। साइनअप पर क्लिक करने पर एक स्क्रीन आएगी, यहाँ आपको आपका पासवर्ड दिखाएगा, यूजर नेम दिखाएगा, इसका स्क्रीन शॉट ले लो। तो मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, ये स्क्रीन शॉट ले लिया, कन्फर्म। अब ये चेक करेगा कि यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल होगा तो ये आपको साइन अप कर देगा। ठीक है, तो यूज़र नेम शायद से अवेलेबल है, तो ये मुझे साइन अप कर दिया है। साइन अप करने के बाद ये देखिए आपकी यूज़र आईडी है। यहाँ से फिर अब आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है उसके लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्ले बटन को क्लिक करें। प्ले बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये एड्स को डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी देख रहे कि ये डाउनलोड हो रहे हैं, तो इसको होने देते हैं, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, तो अब 3 सेकंड बचे। ओके, तो अगर आपके इसमें ये एरर आता है, मतलब एड लिमिट रीच्ड, कम बैक इन 2 आवर्स और रिपेयर, मतलब आपके इसमें ऐड डाउनलोड होके, मतलब डाउनलोड का बटन मतलब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि भैया इंडिया में अपने ऐड नहीं है अवेलेबल अभी, तो इसका सिर्फ ये मतलब है। ठीक है ना, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वापस से प्ले स्टोर ओपन करिए। प्ले स्टोर में सर्च करिए TURBO टर्बो VPN। ठीक है, टर्बो VPN सर्च किया है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करिए। ये मैंने टर्बो वीपीएन ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी आप पहली बार खोलोगे तो यहाँ पे कनेक्ट करने का अपना ऑटोमेटिकली कनेक्टिंग लिखाएगा, तो उसको कनेक्ट हो जाने दीजिए। कनेक्ट हो जाने के बाद में जो ऊपर ये अर्थ का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको इंडिया का फ्लैग दिखेगा, धरती का, धरती की जगह। ठीक है ना, तो इस पर क्लिक करेगा इंडिया के फ्लैग की जगह पर, और यहाँ पर यूनाइटेड, नहीं यहाँ पर नहीं, इसमें जो फ्री यहाँ पर लिखा हुआ है, इस साइड में जो फ्री लिखा हुआ है, दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक किए। एक तो फास्टेस्ट सर्वर लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है फ्री, तो फ्री पे क्लिक करिए। फ्री पे क्लिक करने के बाद जो यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए। तो इससे होगा क्या कि आपका जो VPN से जो कनेक्शन रहेगा वो यूनाइटेड किंगडम से कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका सारा नेट वगैरह जो भी रहेगा पूरा प्राइवेट में UK से चलेगा। तो कनेक्ट कर रहे हैं भाई लोग। ठीक है, ये अपन ने कनेक्ट किया। इसके बाद फ्री फायर डेली गिव अवे ऐप को अपन क्लोज कर देंगे बैक जाकर। ठीक है, ये ऐप को अपन ने क्लोज कर दिया है। हाँ, अभी एक बार तो देख लीजिए आप कनेक्टेड हो या नहीं VPN पर, तो VPN पे कनेक्टेड हो UK से। अब आप वापस से फ्री फायर डेली गिव अवे ऐप को ओपन करिए। तो ये ऐप ओपन हो रही है। कंटिन्यू कंटिन्यू, इंटरनेट चेक करेगा, उसके बाद कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद आप वापस से प्ले पे क्लिक करिए, तो अब ये वापस से ऐड डाउनलोड करेगा। सो लेट्स वेट, थोड़ा वेट करते हैं। मैं पॉज कर देता हूँ इस वीडियो को। चलिए 5 सेकंड बचे हैं। तो सबसे पहले अपने VPN से कनेक्ट किया, उसके बाद फिर ऐप को खोला है, तो अब ऐड वॉच करने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, मैं वॉच ऐड पर क्लिक करता हूँ, तो ये ऐड चल रहा है।
जिस केस में भी वो वीपीएन वाली प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आप टर्बो वीपीएन डालिए, यूनाइटेड किंगडम से कनेक्ट करिए, उसके बाद फ्री फायर ऐप को खोलिए। मतलब ऐप को पहले फ्री फायर को क्लोज करिए, वीपीएन से कनेक्ट करिए टर्बो में यूनाइटेड किंगडम सर्वर से, और फिर फ्री फायर ऐप को अपन को जो गिव अवे ऐप है उसको ओपन करिए, तो आपको ऐड दिखेंगे। भाई इंडिया में इतना ऐड नहीं रहता है, इसलिए इंडिया में ज़्यादा ऐड नहीं दिख पा रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये है भाई। तो इसको क्लोज करेंगे, तो सक्सेसफुली अपने ऐड वॉच किया है, तो वो प्रोसेस करेगा सक्सेसफुली वॉट वॉच हुआ है नहीं। जैसे ही वॉच होगा, अगर सक्सेसफुल रहेगा तो अपने को एक डायमंड यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक डायमंड मिल चुका है, तो ऐसे आपको मिनिमम 10 डायमंड चाहिए गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके 10 डायमंड कलेक्ट करता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। देखिए ऐड वापस से आ गया, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे हो 9 डायमंड हो गए मेरे पास, तो चलिए एक और डायमंड करते हैं। तो एक डायमंड करने के बाद अपने पास यहाँ एंट्री का बटन आ जाएगा, तो लेट्स वॉच एन ऐड। तो अगर आपको कोई सा गेम, जैसा किसी गेम का ऐड दिख रहा है, अगर वो गेम अच्छा लगता हो तो यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन आएगा उसके बाद में, तो अगर आप चाहो तो उसको ही डाउनलोड बटन से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। तो उससे आपको तो क्या फ़ायदा, आपको गेम मिल जाएगा, मुझे थोड़ा पैसा मिल जाएगा वहाँ से। सिंपल बात है यार, मतलब डाउनलोड पे क्लिक भी करोगे तो भी उससे मुझे भी फ़ायदा होगा। और एक ही गेम पे बार बार क्लिक मत करना, उससे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अगर आपको कोई सा गेम अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लग रहा है और खेलना हो, तो अभी जो डाउनलोड बटन आएगा तो उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर लेना ऐसे, तो वो आपको प्ले स्टोर पर जाएगा उसकी स्क्रीन पर। तो अगर आपको गेम पसंद हो तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये अपन ने एक और ऐड देख लिया है, और अपने पास 10 डायमंड हो चुके हैं। तो जैसे 10 डायमंड होंगे, यहाँ पर नीचे एक बटन आएगा रजिस्टर एंट्री का, तो उससे आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ देखिए डेली के नीचे 0 लिखा रहा है, अब मैं रजिस्टर एंट्री पे क्लिक करता हूँ एक बार। तो ये रजिस्टर एंट्री पे क्लिक करा, और जो मेरे टोटल डायमंड है वो 0 हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये टोटल डायमंड 0 हो गए, और जो डेली है जहाँ पर एंट्रीज लिखे, एंट्रीज के जो डेली पे लिखा हुआ एक एंट्री, तो एंट्रीज को ये समझिए कि एंट्री एक आपके पास टिकट है भाई गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का। जिसके पास जितने ज़्यादा टिकट होंगे वो बंदे के जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए आप डेली में एक दिन में 30 डायमंड, मतलब 30 सेट देख सकते हो। 30 सेट के आपको डेली 30 डायमंड मिलेंगे। 30 डायमंड से आप डेली की 3 एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि एक एंट्री जो भी रहती है वो 10 डायमंड की मिलती है। तो ऐसे डेली 30 डायमंड से 3 एंट्री ले सकते हो। तो ऐसे आपके पास, जैसे गिव अवे अपना हर संडे होता है, तो आपके पास हफ्ते के 7 दिन रहेंगे, सोमवार से लेकर रविवार तक। तो 7 दिनों में आप अगर तीन तीन एंट्री रोज करते हैं, तो एक हफ्ते में आपकी 15 एंट्री होती है यहाँ पे है। तब हमारा गिव अवे का ये रूल है कि जिसको भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है उसकी मिनिमम एक हफ्ते में 15 एंट्रीज होना चाहिए गिव अवे के अंदर। मतलब जैसे ये वीक चल रहा है, अब संडे के दिन अपन चेक करेंगे, संडे के दिन जिन जिन लोगों की एंट्रीज 15 से ज़्यादा होगी वो बंदे एलिजिबल रहेंगे गिव अवे में जीतने के लिए। और गिव अवे क्या रहेगा भाई, गिव अवे रहेगा 160 रुपीज़ का गूगल प्ले कार्ड, या फिर एक वीकली मेंबरशिप प्ले स्टोर पर, या फिर स्कल मास जो भी 500 डायमंड का मिलता है प्ले अपने फ्री फायर गेम में वो है। तो अगर आप फ्री फायर नहीं खेलते हो तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उसमें आपको 160 रुपीज़ का गूगल प्ले का कार्ड मिल जाएगा। तो ऐसा है भाई, तो बस यही रूल है कि डेली 30 सेट देखिए, डेली 3 3 एंट्री आपकी कलेक्ट होगी, और एक हफ्ते में 15 से ज़्यादा एंट्री रखिए। तो जिन भी लोगों की 15 से ज़्यादा एंट्रीज रहेगी यहाँ पर डेली में, 1 से ज़्यादा 15 15 या उससे ज़्यादा रहेगा, तो वो सारे जितने के काबिल रहेंगे, ठीक है ना। तो बस यही है भाई, एड देखिए डेली 30 सेट के 30 डायमंड, 7 दिन के 21 210 एड, 210 डायमंड, 210 डायमंड से 21 एंट्री ले सकते हो भाई। तो जिसके जितनी ज़्यादा एंट्री देगी, मतलब जिसके ज़्यादा जितने ज़्यादा टिकट रहेंगे वो उसके जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। तो अब चेक कैसे करेंगे भाई अपने कितनी एंट्रीज होगी सामने, मतलब ये टॉप पर कौन है, तो उसके लिए बैक आइए। बैक आके जो लीडर बोर्ड का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, ये पूरा अपना गिव अवे का लीडर बोर्ड चला देगा। तो ये अभी इस हफ्ते का लीडर बोर्ड है, इस हफ्ते का मतलब आज तारीख क्या है, 24 जनवरी, तो ये 24 जनवरी का है। तो इसमें इतने ज़्यादा एंट्री इसलिए क्योंकि जो पिछले हफ्ते का गिव अवे अपन नहीं कर पाए थे, तो पिछले हफ्ते वालों की एंट्री डिलीट नहीं करी है, उनकी एंट्री इस हफ्ते में शामिल हो गई है। तो जिस दिन गिव अवे होगा, जिस दिन अपन गिव अवे दे देंगे, उस दिन सबकी एंट्री 0 हो जाएगी। तो अभी सबसे टॉप पर जो है बिलाल, उसके बाद रॉनी, उसके रॉनी के बाद चंदन, तुषार, जिम बांग्लादेश, श्रीलान मंत्री, आशु चैम, ये सब है। तो
अब ये जो गिव अवे चल रहा है ये 2 हफ्तों का, मतलब पिछले हफ्ते गिव अवे नहीं कर पाए थे, तो पिछले हफ्ते का प्लस इस हफ्ते का है। तो इसमें जो रूल था वो था कि 1 7 दिन के जो 1 हफ्ते का गिव अवे रहता है उसमें 15 एंट्री मिनिमम चाहिए, तो ये 2 हफ्ते का, तो इसमें मिनिमम 30 एंट्री चाहिए। तो जिन लोगों की भी 30 या उससे ज़्यादा एंट्री रहेगी ये इस गिव अवे में, वो लोग जीतने के प्रबल दावेदार रहेंगे। तो अभी तो सिर्फ ऊपर के टॉप 4 बंदे हैं, बिलाल, रोनी, चंदन, तुषार। तो हर संडे को इनमें से जो भी जितने बंदों की एंट्री 15 से ज़्यादा होगी 1 हफ्ते में, तो उनमें से किसी 3 बंदों को मैं एक वीकली मेंबरशिप या फिर 160 रुपीज़ का गूगल प्ले कार्ड गिफ्ट करूँगा भाई। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो प्रोसेस तो पूरी बता दिए, जाइए इंस्टॉल करें ऐप को, और जो यूज़र नेम मांगेगा सामने साइन अप करने में, यूज़र नेम में फ्री फायर का यूज़र नेम डालना, उसके बाद पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर प्लस कुछ भी A to Z के लेटर्स, और जब कंफर्म करोगे तो कंफर्म करने के पहले स्क्रीन शॉट ले लेना ताकि आप वो यूज़र नेम पासवर्ड भूलो नहीं। ओके तो बस जाइए गाइस, एड देखिए और कमाइए। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके इसमें ऐसा लिखा रहा है नो एड नॉट अवेलेबल यूज़ VPN, तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस यही है, एक बार फिर से बता देता हूँ ठीक है। एक सेकेंड, ये टर्बो वीपीएन है, तो जिसके इसमें भी वीपीएन वाला एरर आ रहा है ठीक है ना, वो प्ले स्टोर पे जाइए, पहले सबसे पहले तो गिव अवे ऐप को क्लोज़ कर दीजिए। ओके सबसे पहले गिव अवे ऐप को क्लोज़ करिए, फिर प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाकर मतलब जितने लोगों को मतलब दिन में 30 ऐड नहीं दिख रहे हैं, इंडिया में हो या कुछ और आपकी कंट्री में ऐड अवेलेबल नहीं हो और वो दिखा रहा हो कि भाई यूज़ वीपीएन, तो उसके लिए है प्ले स्टोर पे जाइए, TURBO टर्बो वीपीएन ओपन करिए, टर्बो वीपीएन सर्च करा, NF2 कनेक्टिंग का टर्बो वीपीएन इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करो। ये ओपन करा, ओपन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा आपके मोबाइल पे, तो उसको कनेक्ट हो जाने दो। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपकी कंट्री का साइन आ जाएगा, तो वो कंट्री का साइन आने के बाद यहाँ कॉर्नर पर, इसमें माउस क्यों नहीं दिख रहा है, ये ऊपर राइट साइड में देखिए जहाँ पर क्लॉक दिख रही है, इसके अंदर क्लॉक के नीचे जो अर्थ का साइन है वहाँ पर आपकी कंट्री का फ्लैग या कुछ भी आएगा, तो वहाँ पर क्लिक करिए आप। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे अपने, एक फास्ट सर्वर्स और एक फ्री सर्वर्स, तो अपने को फ्री पे क्लिक करना है। फ्री पे क्लिक करने के बाद नीचे आइए, नीचे यहाँ यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है ठीक है, यूनाइटेड किंगडम पे क्लिक करिए, तो ये यूनाइटेड किंगडम से आपको कनेक्ट कर देगा, तो कनेक्ट हो जाने दो। ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट होने के बाद इसको क्लोज मत करना, इसको मिनिमाइज करके अपनी जो गिव अवे ऐप है डेली गिव अवे उसको ओपन करिए। उसको ओपन करने के बाद थोड़ा वेट करिए, ऑब्वियसली यार लोगो वगैरह तो दिखाना पड़ेगा किसने बनाया है क्या करा है। कंटिन्यू कंटिन्यू, वापस से चेक करेंगे इंटरनेट को। चेक करने के बाद प्ले पे क्लिक करिए, और क्या आपके ऐड डाउनलोड होने लग जाएंगे भाई। तो जिसको भी वो वीपीएन वाला एरर आ रहा है कि नो एड्स अवेलेबल चेंज वीपीएन सर्वर ऐसा करके, तो वो लोग ये प्रोसेस का इस्तेमाल करिए। इससे आप इससे फ़ायदा ये है कि आपको पूरे दिन भर में ऐप को 10 12 बार ओपन करके दो दो तीन तीन ऐड नहीं देखना पड़ेंगे। इसमें अगर आप लकी रहे तो आप आधे घंटे के अंदर ही सारे 30 ऐड पूरे देख सकोगे, और आधे घंटे के अंदर ही आपके पूरे 30 डायमंड एक दिन के कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसे आप मतलब फास्ट काम है ये वीपीएन से यूज़ करने का, और अगर यूनाइटेड किंगडम से कनेक्ट करके करोगे तो भाई उससे मेरा भी फ़ायदा है, तो अगर मुझे भी फ़ायदा होगा तो भाई ज़्यादा गिव होंगे, तो वो आपके ऊपर है भाई क्या करना है। इंडिया में वैसे ज़्यादा ऐड दिखाते नहीं है लोग यार, क्योंकि कुछ मतलब समझ में नहीं आते क्या है, तो इसलिए आपको वीपीएन यूज़ करना तो कंपलसरी है। मतलब ये मान लो कि जो भी इस ऐप को यूज़ कर रहा है और टर्बो वीपीएन यूज़ करने के बाद ही इस ऐप को ओपन करें यूनाइटेड किंगडम से कनेक्ट करके, तो फटाक से ऐड देख लो कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा ठीक है। तो ये था भाई गिवअवे ऐप का, एक और वॉच ऐड कर लेते हैं, ऐड वॉच कर रहे हैं अपन एक। तो चलिए गाइस, जितने लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया गिव अवे में या गिव अवे इंस्टॉल नहीं किए भाई लोग कर लीजिए, और मेरा ये कहना है कि भाई अगर आपके पास 200 300 डायमंड हो जाते हैं तो आप संडे के पहले एंट्री रजिस्टर मत करिए, मतलब जो रजिस्टर का बटन आता है आपके नीचे, एक सेकंड मैं क्लोज करता हूँ, ये जो यहाँ पर नीचे जो रजिस्टर का बटन आता है, अगर आपके पास 50 डायमंड या 60 डायमंड है तो अभी ये एंट्री रजिस्टर मत करिए, संडे का आने का वेट करिए। अभी तो रोज़ डायमंड रोज एड देख के डायमंड कलेक्ट करिए, और जैसे संडे आता है संडे के दिन जाके पहले सबसे पहले लीडर बोर्ड चेक करिए कि भाई आखिर में टॉप पर कितने बंदे हैं, फिर चेक करिए आपके पास कितने डायमंड है, और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जो टॉप वाली पोजीशन है मेरे पास इतने डायमंड है कि मैं अगर एंट्री रजिस्टर करके टॉप पे आ जाऊँ, मतलब इतने टिकट ले लूँ कि मैं टॉप पे पहुँच जाऊँगा, टॉप 5 में भी पहुँच जाऊँगा, या फिर जो वीकली का कोटा है मतलब 15 जो एंट्रीज का है, अगर मेरे पास मतलब मान लो 170 डायमंड है आपके पास, तो फिर आप संडे के दिन एंट्री रजिस्टर करिए, बस संडे के पहले ना करें, क्योंकि हो सकता है कि भाई आपके ऊपर बहुत ऐसे लोग हो जिन्होंने 35 40 ऐड देख के मतलब 35 40 एंट्री हो गई, मतलब जो पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं एड्स
और उन्होंने मतलब एंट्रीज उस हफ्ते नहीं ली है, और वो 2-3 हफ्तों के बाद पूरे इकट्ठा करके सबसे टॉप पे आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको चेक करना पड़ेगी गाइस। तो बस यही बोल रहा हूँ कि जैसे डायमंड आपके पास 10 या उससे ज़्यादा होते हैं, वैसे एंट्री रजिस्टर मत करिए, एक हफ्ता पूरा वेट करिए, पूरे डायमंड कलेक्ट करिए एक हफ्ते के। और संडे को जब लाइव स्ट्रीम अपन 8 बजे करेंगे, 8 बजे के पहले 6 बजे या 7 बजे के आसपास आके आप अपनी सारी एंट्रीज पहले चेक करिए, टॉप पर कितने बंदे हैं, उसके बाद देखिए। तो इसका बस सिर्फ एक ही रूल है कि आपकी हर हफ्ते 15 से ज़्यादा एंट्रीज होना चाहिए। तो 15 एंट्री मतलब आपको कम से कम 150 एड हर हफ्ते देखना पड़ेंगे, हर दिन के 30-30 मिला के। तो किसी एक दिन अगर आप छूट जाते हो कि आप नहीं देख पाते, तो आपके पास एक दिन का ऑप्शन मतलब 2 दिन की छुट्टी ले सकते हो आप, मतलब 2 दिन अगर आप ऐड ना देखो तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो हर वीक। तो ऐसा है भाई। तो अगर आपके पास ज़्यादा डायमंड है तो प्लीज़ अपने डायमंड वेस्ट ना करना, संडे का वेट करना। संडे के दिन देखिए, पहले चेक करिए कि आप टॉप में आ सकते हो या नहीं, टॉप में मतलब 15 एंट्रीज के ऊपर आप हो सकते हो नहीं, उसके बाद ही एंट्रीज को यूज़ करिए। तो अगले हफ्ते के लिए सेव करके रखिए। अगले हफ्ते अगर आप मान लो आपके पास यहाँ पर 120 डायमंड है, और अगले हफ्ते आपने पूरे 200 डायमंड देखे, तो आपके पास 320 डायमंड हो जाएंगे। तो 320 डायमंड की 32 एंट्रीज हो जाएगी भाई, तो उससे तो आप गारंटी चांस हो ही जाएगा कि आप एंडिंग गिव अवे भी जीती जाओगे। तो ऐसा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, पर बस एक ही है कि हर हफ्ते ऐड देखिए, हर दिन ऐड देखिए, 30 ऐड तो मिनिमम देखना पड़ेंगे, 30 डायमंड कलेक्ट करिए डेली के, और संडे को दिमाग लगा के यूज़ करिए भाई। नहीं तो फिर आप बोलोगे मेरे डायमंड इतने वेस्ट गए, वो बंदे कितने एक हफ्ते में कैसे हो गए, तो भाई लोग दिमाग लगाते हैं, लोग एक हफ्ता वेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर अगले हफ्ते वाले में वो एंट्रीज डालते हैं, क्योंकि एंट्रीज हर संडे को डिलीट हो जाती है। तो ऐसा है भाई, डायमंड डिलीट नहीं होंगे, जो एंट्रीज होगी वो हर संडे डिलीट हो जाएगी, जिस हफ्ते भी गिव अवे होगा उसकी एंट्रीज उस हफ्ते के बाद डिलीट हो जाएगी। तो ऐसा है भाई, ठीक है ना। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, और जय माता दी भाई। यूज़ करिए गिव अवे ऐप को, बाय।